इंडिया की जो करप्ट गवर्नमेंट जिसको ये कहते हैं, वो अपनी मईशत को 700 अरब डॉलर पे ले गए। आज लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है क्या हमसे बेहतर है, हमारी प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट से बेहतर है? हाँ जी, वो बेहतर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। वो कदरा गया, कदरा नहीं है, वो कदरा झुकिया, वो बिलावल, उसको उर्दू नहीं आते, उसको लिया, उसको उर्दू नहीं आते अपना, वो कदरा है, उसको 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 ले सामने इधर। हम छोटे थे तो हम फौज को सलाम करते थे, आज इन सब से किसी से पूछ ले आप ईमानदारी के साथ कि किसी के दिल में फौज के लिए कोई मोहब्बत या कुछ वर्ड है? ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फौज गद्दार है हमारा, बिल्कुल चोर है। जो हमारे फौज है ये बिल्कुल गुलाम फौज है, ये पहले से भी जो है ना गुलामी में इसने जिंदगी गुजारा है। कभी जिंदगी में भी नहीं, इमरान खान के ये पाओ की जूती के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त मैं समझता पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, वेंटिलेटर पे है ये लोग, आखिरी टाइम है, मौजूद है। सर आप मुझे बताइएगा, इस टाइम रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, इमरान खान को कितनी बेदर्दी से उन्होंने पकड़ा है, इवन के घसीट के लेके जाने वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस टाइम रेंजर्स ने जो कि इमरान खान को घसीट के लेके जाया, व्हील चेयर से उनके उठाया, आप मुझे बताएं क्या ये सब कुछ ठीक था? देखिये बिल्कुल, चेयरमैन इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, और जो टेलीविजन में नजर आ रहा है ये गैरानी है। अच्छा, गैरानी गिरफ्तारी है, क्यों? खान साहब तो अपनी पेशी पे गए हैं, और भी पेशी पे बायोमेट्रिक कराने से पहले फिर उन्होंने आगे जाना था, लेकिन रेंजर ने उन्हें उधर से ही उठा लिया, तो गैरानी गिरफ्तारी है। सुनने में आया है कि इस्लामाबाद की पुलिस नहीं थी, सिर्फ रेंजर्स की ज्यादा तादाद थी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल, रेंजर तक की तादाद थी, इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, लेकिन ये एक प्री प्लान था इनका, खान साहब के लिए प्री प्लान था, जिसके प्लान के तहत इन्होंने उठाया। लेकिन हमें फख्र है कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, और खान साहब बहादुर लीडर है। कल जरदारी जी का एक बयान आया था, सरदारी जिन्होंने कुछ एक लाइनें जो कि इमरान खान के मुतालिक बोली थी, और ये कहा था कि ये यहूदी से ताल्लुक रखते हैं, बैकग्राउंड इनका यहूदी है, इनकी अपनी नस्ल कोई नहीं है, इनकी नस्ल की अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी, और उसके बाद ये कहा कि इसको क्रिकेट खेलना आता है, ये कौन सा ये हुकूमत संभाल सकता है, मतलब इस तरह के बयान है उनके, क्या समझते हैं? क्या उन्होंने ये बयान दिए कल, और उसके बाद उनका प्लान था पूरा कि ये आज प्रोपोगंडा खेला जाएगा? जी देखिये, अल्लाह का शुक्र है, खान साहब के दो बेटे हैं, और खान साहब मुसलमान है, 5 टाइम के नमाजी हैं, और एक स्पोर्ट्समैन है, और सियासी तौर पे वो पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान से मोहब्बत वतन है और जज्बा रखते हैं, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की सारी वाम इस वक्त सड़कों पे इनके एहतजाज कर रही है, और खान साहब मुल्क से भागने वाले नहीं है, ना झुकने वाले है, ना बिकने वाले हैं। सर अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो पाकिस्तान में हमेशा हम देखते हैं कि जो ईमानदार होता है इंसान, जो मतलब एक करप्शन नहीं करता, जो सच के साथ होता है उसको उठवा लिया जाता है, और जो करप्टेड होते हैं, जो चोर होते हैं सर, उनको आजाद घूमने दिया जाता है। सर पाकिस्तान की तारीख ही ऐसी क्यों? जी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में यही हुआ है कि जो ये पीडीएम का जो टोला है 13 जमातों का, मुझे ये बताए ना ये जमहूरियत को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, और पीपल्स पार्टी तो 73 में भट्टो ने आइन बनाया, और 73 के आइन को भी नहीं मान रहे जो उन्होंने खुद बनाया, और खान साहब तो पासदारी करते हैं और कानून की, खान साहब ने तो मुल्क से बाहर नहीं मांगे, खान साहब तो इधर ही है। इमरान खान ने कल नहीं परसों अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, जब बिलावल भुट्टो एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया गए थे, 2 दिन उन्होंने वहां स्टे किया, तो उनकी उस तरह से वेलकम नहीं किया एस जयशंकर ने। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी कि बिलावल भुट्टो पागल था जो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान की इमेज खराब करने गया, और एंड पे उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि इलेक्शन करवाया जाए। सर आप मुझे बताइएगा कि अगर हम इमरान खान की जगह उनको देखें तो वो चाहते हैं इलेक्शन करवाया जाए, अगर दूसरी जानब देखें तो वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो इस टाइम, क्या आपको लगता है कि इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे आके खड़ा हो गया? पाकिस्तान का इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन, फेयर इलेक्शन मांग रहा है, और फेयर इलेक्शन ये क्यों नहीं करवाना चाह रहे? उन्हें पता है कि खान साहब के साथ आवाम और खान साहब ने आ जाना है, और ये सब चोर डाकू लुटेरे जो मुल्क को तबाह करके रख दिया ये खान साहब से डरते हैं। सर थोड़ा सा एक और आगे जाते हैं, आप मुझे बताइए डंडा लेके आप क्यों खड़े हैं, पहले आप मुझे जवाब दीजिएगा। हम अपने खान साहब के लिए आए हुए हैं, खान साहब हमारी रेड लाइन है, जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, लिहाजा उनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आप मुझे बताइए इमरान खान को अरेस्ट किया क्या सही किया या गलत किया? सारी दुनिया को पता गलत है, गलत किया। क्या आपको लगता है चांसेस कितने हैं इमरान खान को इस टाइम छुड़वाने के? लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इस प्रोटेस्ट का फायदा होगा? इनके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा,
किसी के पास कोई आपके ना कोई वर्ड बच जाए, एक वर्ड भी नहीं होगा। वेंटिलेटर पे हैं ये लोग, आखिरी टाइम है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन हो चुका है। इंडिया की जो करप्ट गवर्नमेंट जिसको ये कहते हैं, वो अपनी मईशत को 700 अरब डॉलर पे ले गए। पाकिस्तान की जो ये जो हमारी फौज है, जो 75 सालों से पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, वो माशाल्लाह से ये एक साल के अंदर 16 अरब डॉलर से पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर पे ले गए। आप ये सोचें कि बेसिक सवाल हमारा ये है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनका क्या होगा, हमारे घरों में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा जो है उसका घर चल सकता है, नहीं चल सकता। इमरान खान की हर स्पीच के अंदर हम देखते थे, वो कहते थे कि बाहमी ताल्लुक किए जाए स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक लेवल पर। उनकी ये स्पीच के अंदर हम देखते थे वो हमेशा इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करते थे, वो कहते थे कि इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया के हुक्मरान मच बेटर देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स। वो कहते थे असासे वहां के नहीं निकलते यहां के, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की हम मिसाल लें तो वो कहते हैं कि चाय वाला हुकूमत क्या संभालेगा, हम तो पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताएं कि चाय वाला और हमारे पीडीएम की हुकूमत को देखें तो कौन ज्यादा बेहतर है? आप ये देखें कि इमरान खान की आपने यूएनओ के अंदर तकरीर सुनी थी, क्या आपको वो पहले तकरीर ये पीडीएम की 13 जमातों के अंदर कोई ऐसा बंदा नजर आता है कि जो वहां पे जाके इस्लाम का परचम बुलंद करे? आप और मैं एक मुसलमान मालिक में है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? मेरा आपसे सवाल है, मैं जो पाकिस्तान के हक में होगा उसको। हाँ जी देखे, हम नबी पाक की उम्मत में से है, जो हमारे नबी पाक की सुन्नत पे चलेगा हम उसके साथ है। हम इमरान खान को नहीं जानते थे, हमें इमरान खान ने ये गाइड किया और वहाँ पे जाके ये प्रूफ किया है। बिलावल भुट्टो ने इंडिया के अंदर बैठ के ये कहा कि वो सोशलाइज है इस वजह से, और जो नौजवान तबका है वो उनको सपोर्ट करता है इमरान खान को, वो सोशलाइज है, फेम रखते हैं, और उसके अलावा ये कहा कि नौजवान की जो डेमोक्रेसी है वो इमरान खान के साथ है, अदरवाइज पाकिस्तान के जो मेजोरिटी लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ है, मतलब उनके साथ है। आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो ने सोशलाइज कहा, क्या सिर्फ फेम की वजह से ये नौजवान तबका उनके साथ है या नहीं? आप मुझे 10 बंदे नून लीग के लावे जो थोड़े से पढ़े लिखे हो, बगैर पढ़े लिखे नहीं, मुझे पढ़े लिखे 10 बंदे ला दें जिनमें से 5 औरतें और 5 मर्दों, कुरान पाक सामने रख दें और फैसला करा लें, अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, हम जमीन पे हैं। कभी जिंदगी में भी नहीं, इमरान खान के ये पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। हम छोटे थे तो हम फौज को सलाम करते थे, आज इन सब से किसी से पूछ ले आप ईमानदारी के साथ कि किसी के दिल में फौज के लिए कोई मोहब्बत या कुछ वर्ड है? ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फौज गद्दार है हमारा, बिल्कुल चोर है ये, इमरान खान नहीं छोड़ेगा तो एक फौज का घर भी सही नहीं रहेगा, हम एक फौज को भी नहीं छोड़ेगा, रेंजर वाले को भी नहीं छोड़ेगा और आर्मी वाले को भी नहीं। थोड़ा सा आगे आए आप, थोड़ा सा आगे आए आप, पठान है जी, पठान है हम, आप पठान है, पठान जो लोग होते हैं वो हकीकत पसंद होते हैं, जैसे इमरान खान ने सच के साथ बोलते हैं। आप मुझे बताएं कि इमरान खान पठान है क्या इस वजह से सपोर्ट करें या वो हकीकत पसंद है इस वजह से सपोर्ट? नहीं, हम इस बात पे जो है ना कसम खाते हैं ये सब के सामने कि इमरान खान जो है वो पठान नहीं है, वो नेजी है, लेकिन वो एक ईमानदार है, एक मुजाहिद बंद है, वो सिर्फ मुसलमान के लिए बात कर रहे हैं, वो पूरा मुस्लिम मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जितना भी मुसलमान का मुल्क है वो सबके लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में जो भी हो, लेकिन जो हमारा फौज है ये बिल्कुल गुलाम फौज है, ये पहले से भी जो है ना गुलामी में इसने जिंदगी गुजारा है, अभी भी ये गुलामी चाहते, लेकिन हमारे इमरान खान जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो है ना हमारे लिए आजादी होना चाहिए, हमारा एक अपना मुल्क है, आजाद मुल्क है, लेकिन ये लोग जो है ना ये गुलाम है पहले से, ये नहीं चाहते कि हम आजाद हो जाए। इमरान खान से पहले, इमरान खान से पहले कभी आजादी का पता चला था, आजादी होती क्या? नहीं, जब इमरान खान नहीं था ना तो हमें पता नहीं था कि हम अंधेरों में था बिल्कुल, जब इमरान खान आया तो हमें पता चल गया कि हम तो एक लोग है, मतलब हम तो एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, हम आजाद मुल्क है, लेकिन जब इमरान खान आया तो सब हमें सब पता चल गया कि हम आजाद लोग है, हम जो है जिंदा लोग है, लेकिन ये जो करप्ट लोग बैठे है, ये जो इंडिया का गुलाम है, जो अमरीकी का गुलाम है, जो हिंदू का गुलाम है, जो कल हिंदू, वो कदरा गया, कदरा नहीं है, वो कदरा जो गया वो बिलावल, उसको उर्दू नहीं आते, उसको लिया उसको उर्दू नहीं आते अपना, वो कदरा है, उसको 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 लिया सामने इधर, वो जो उधर गया इंडिया गया, उधर जो है ना वो क्या तो वो बुद्ध का जो है ना तो नमस्ते किया, तो ये मुसलमान है, और जो दूसरा उसका अभी है वो कैसा है? ये फौज भी हमारे, ये इदारे भी हमारे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान हमारा है, सारा पाकिस्तान,
ये नहीं नवाज शरीफ का है, नहीं राणा सनाउल्ला के, ये किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा है। हमने इसमें रहना भी है, मरना भी है, सब कुछ। और खान साहब इस टाइम जो लड़ रहे हैं वो हमारा मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं और इस पाकिस्तान के खातिर लड़ रहे हैं। मतलब आपको आपको लगता है कि ये सब कुछ ब्लॉक करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, टायर जलाने चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए? हम एक पूरा अमन एहतजाज है। डिसीजन लिए हैं यहाँ पर, सिर्फ एक सबसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इमरान खान जहाँ इंडिया की पॉलिसीज को सराहते थे अपनी हर स्पीच के अंदर, क्या आज लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहां पर भी दो तीन गवर्नमेंट्स है, दो तीन पार्टीज है, लेकिन क्या हमसे बेहतर है, हमारी प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट से बेहतर है? हाँ जी, वो बेहतर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। देखिए ना, ये कह रहे हैं कि अब ये रेलवे के ट्रैक पड़े हैं तो वो लाखों रुपए के ट्रैक है तो वो उनको साइड पर उठाना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन असूली तौर पे जो ब्लॉक किया हुआ है ना, ये लकड़ी के ट्रैक है, ये लाखों रुपए का एक है। अच्छा। ये अभी आप देख ले, बीच में ट्रैक का बना हुआ है, इसकी मूवी बनाए। अच्छा। आप ये देखेंगे ये ट्रैफिक के रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, हत्ता के ये ट्रैक चलाने के लिए है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं और कौन रख रहा है यहाँ पे, और ये हमारे टैक्स के पैसों से ये खरीदे गए हैं और इसको मिस यूज करके यहाँ पे सड़क ब्लॉक करने के पर्पज में इस्तेमाल किया गया। ये इसके लिए कुर्बान कर लो अल्लाह की मंदिर, पूरा मुल्क जा रहे, तुम इसका सोच रहे अल्लाह की मंदिर। नहीं नहीं, बात सुने, आज जैसे खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया है, ऐसा लगा जैसे वो एक साबिका वजीर आजम नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। जैसे उन्होंने शीशे तोड़े हैं, उन पे तशद्दुद किया है, ये एक ऐसे किया जैसे आम आदमी पे किया है। वो एक वजीर आजम रह चुका है, उसे कैसे लेके गए हैं? भंडारी साहब ने कल कहा कि ये यहूदी बैकग्राउंड से हैं। मेरी बात सुने, सारी आवाम को पता लग गया कौन यहूदी का एजेंट है और कौन उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। ठीक है, अक्वाम मुत्तहदा में जाके खान ने हमारे नबी की शान बुलंद की है, हमारा नाम बुलंद किया है, हम फखर से कहते थे खान हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और क्राइम मिनिस्टर को बैठा हुआ लंदन में जाके, कोई ने पूछने वाला नहीं है। फ्यूल डलवा रहा था 150 में, जब 160 रुपए हुआ है, 10 रुपए पे सारा मीडिया। ठीक है, अब क्यों नहीं बोल रहा मीडिया? 300 हो गया, अब 300 हो गया, कोई मीडिया बोल ही नहीं रहा। चीनी कहाँ चली गई, आटा कहाँ चली गया, घर कुछ खाने को लिए, अब हम मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ने ये पाकिस्तान नहीं लग रहा, अब DHA चले गए, वो पाकिस्तान है, उन्होंने अपना अलहदा पाकिस्तान बनाया हुआ है, हम आवाम को तो वो समझते ही नहीं।